आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आरएलडी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं दिख रही। यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी सफर में राष्ट्रीय लोक दल रालोद ने रविवार को अपनी ताल ठोक दी है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखनऊ के रविन्द्रालय हॉल में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को रालोद ने 2022 के 22 संकल्प के तौर पर जनता के बीच जाने का ऐलान किया है। रालोद के घोषणा पत्र में किसानों को आलू का दाम डेढ़ गुना देने का वादा किया गया है। वहीं गन्ना किसानों को भी डेढ़ गुना दाम देने का ऐलान किया गया है। साथ ही 14 दिनों के भीतर राशि भुगतान करने की भी बात कही गई है। किसानों को पीएम किसान निधि सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। उन किसानों को 12,000 रूपए सालाना देने की घोषणा की गई है। वहीं वृद्धा पेंशन में 3 गुना अधिक बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया गया है। लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार आने पर यूपी में किसानों और बुनकरों का बिजली बिल माफ किया जाएगा, वहीं आगे का बिल भी हाफ हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र में बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। हमने मैनिफेस्टो में किसान के लिए, नौजवान के लिए, उत्तर प्रदेश के छोटे व्यापारी के लिए काफी बातें कही है। हम चाहते हैं यूपी में तीव्र गति से तरक्की हो। नौजवानों को 1 करोड़ नौकरी देने की हमने योजना बनाई है। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना में अभी 6,000 मिलता है, हम बढ़ाकर उसे 12,000 और लघु किसान को 15,000 दिलाएंगे। और जो कानून व्यवस्था में कैसे सुधार होगा, पुलिस का मनोबल आप कैसे बढ़ा सकते हो, 6 महीने के अंदर सभी लंबित भर्तियां शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में करने का हमने संकल्प, हमने अपना निश्चय आज सार्वजनिक तौर पर किया है। और साथ साथ जो महिला सशक्तिकरण का विषय है कि जिस तरह से अपराध महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हैं, हमने फैसला लिया है कि 50% पुलिस में भर्ती महिलाओं की जाएगी और सिर्फ पुलिस विभाग नहीं, हर विभाग में 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। तो ये मुख्य बातें हैं। 2022 के 22 संकल्प के नाम से हमने 22 मुख्य बातें अपने मैनिफेस्टो में अलग से रखी हैं, पेश की हैं। हम चाहते हैं कि मैनिफेस्टो गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचे। सरकार 1 महीने पहले मैनिफेस्टो जारी करती, आपने लगभग 4-5 हाँ, क्योंकि 15 दिन पहले जारी होते हैं मैनिफेस्टो, ना आपका ध्यान जा पाता, ना उन पर चर्चा हो पाती, ना ही पॉलिटिकल चुनावी मंचों से उनकी कोई चर्चा होती।